ये मैं दिखाता हूँ, दिखा रहा हूँ आपको डॉल की एग्जाम्पल, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इफ यू वॉन्ट टू बिकम ए सक्सेसफुल लीडर, तीन किस्म के लोग आपको हैंडल करने हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आप मुल्क का लीडर हो, चाहे आप स्टेट का लीडर हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट का, चाहे घर का, चाहे छोटी फैमिली का, बड़ी फैमिली का, चाहे छोटे स्कूल का, बड़े स्कूल का, छोटे कॉलेज का, बड़े कॉलेज का, या बड़ी यूनिवर्सिटीज का, या कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, एक लीडर में ये कम से कम ये नॉलेज और स्किल होनी चाहिए, हाउ टू डील विद दीज थ्री टाइप्स ऑफ पीपल। अगर उसको ये स्किल आ गई, ये आर्ट आ गया, ऐसे तीन लोगों को हैंडल करना, तो उसको दुनिया में कोई गिरा नहीं सकता और उसकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने में कोई रोक नहीं सकता। ये मेरी गारंटी है, ठीक है। पहला बंदा, जब हम कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो एक कान से जब सुनते हैं तो बात जब अंदर जाती है दिमाग में, उसके सर में जब बात जाती है, तो वो अंदर ही बात रखता है, ना किसी को बोलता है, अंदर ही उसकी एनालिसिस करता है, चाहे उसकी एनालिसिस जो अंदर वो दिमाग में कर रहा है, चाहे उसकी एनालिसिस पॉजिटिव साइड से जा रही हो या नेगेटिव साइड में अंदर वो एनालिसिस कर रहा हो, लेकिन वो अपनी इस सर के बाहर ये बात नहीं निकालता है। लेकिन कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, सपोज इस तरफ के, एक कान से सुनते हैं, दूसरी कान से वो बात निकल जाती है। उनके दिमाग जो होते हैं वो हमेशा फ्रेश रहते हैं, और इस टाइप के लोग कभी बूढ़े नहीं होते, ये हमेशा जवान ही रहते हैं, क्योंकि इनका ब्रेन जो होता है ये अनयूज्ड होता है। ये ना किसी बात की एनालिसिस करते हैं, ना इनकी कभी प्रोग्रेस होती है, ना कुछ होता है, और ना इनकी सेहत पे असर होता है, और इनकी उम्र भी लंबी होती है, क्योंकि ये हमेशा जवान ही रहते हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से ये बाहर बात को निकालते हैं। वो ऐसे इंसान को हैंडल करना, पहला जो सुनेगा और अंदर ही रखेगा बात, उसको हैंडल करना कि वो किस डायरेक्शन में इस आपकी एडवाइस या आपकी टेक्निकल नॉलेज को कहाँ किस तरीके से ले जाएगा, वो नॉलेज आपको होनी चाहिए। वो दूसरा जो एक कान से बात सुनेगा, दूसरे कान से निकालेगा, वो इट मीन्स वो उसका रोल बहुत ही कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है किसी चीज़ की प्रोग्रेस में, नॉलेज गेन करने में। बिल्कुल ये मस्त होता है अपनी लाइफ से, बिल्कुल इसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन तर्क ये कभी कर नहीं पाता है, क्योंकि इस पर दिमाग पे कभी ज़्यादा असर पड़ता ही नहीं है। ये एक कान से सुनता है, दूसरे कान से एक बात को निकालता है। और ऐसे ऐसे लोग, एक इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे लोग किसी को नुकसान भी नहीं करते हैं, क्योंकि चाहे आप इसको कोई भी राज बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये उसी टाइम भूल जाते, इधर से मेमोरी आ गई, इधर से बात आ गई, मेमोरी बन गई, यहाँ से निकल गई। कोई असर ना ऑर्गेनाइजेशन पे, ना किसी बंदे पे असर है, ना इसकी एज पे असर है, बिल्कुल मस्त आदमी है ये। और तीसरा बंदा, ये कान से सुना और मुंह से निकाला, ऐसे बंदे बहुत, इनको कभी राज मत कहना, क्योंकि ये तीसरी किस्म का आदमी है जो एक लीडर को डील करना है। कोई भी लीडर हो, उसको इसको डील करना है, क्योंकि ये सुनता है और मुंह से निकालता है, सुनता है मुंह से निकालता है। बिल्कुल ये इतनी बातें करते हैं दिन में, ये कान पका देते हैं, चाहे उसकी बात का कोई मतलब हो, उसकी बात में कोई नॉलेज हो, उसकी बात में कोई एडवाइस हो, कुछ भी बोल देता है, चाहे उस बात से कोई फायदा हो किसी के लिए या ना हो, लेकिन बोलता रहता है। ये एक कान से सुना और अंदर बात रखी। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात को सुनते हैं बाहर नहीं निकालते, अंदर से एनालिसिस करते हैं, चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन या पॉजिटिव। और दूसरे लोग जो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकालते हैं, ये बड़े मस्त आदमी होते हैं। इन पे किसी का असर नहीं होता, ना अपने आप पे और ना किसी दूसरे पे, ना ये किसी को नुकसान देते हैं और ना किसी को फायदा देते हैं, लेकिन इनकी उम्र बहुत